दिल्ली में एक तरफ जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीतियों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के न्यू सेलमपुर में नया ठेका खुलने को लेकर आरडब्ल्यूए और क्षेत्रवासियों ने ठेका खुलने का विरोध किया है, जिसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई और मौके पर पहुंचे अधिकारी से तीखी नोकझोंक भी हुई। कहीं भी ठेका नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी रूल ही ऐसे है कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने, ये तो ये नहीं कि एक पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने स्टेट गवर्नमेंट में एक्साइज की कमाई के चक्कर में ठेका खोल देती है। नहीं खुले ठेका, ना खुले किसी भी, आप पूरे विरोध में उठोगे के हम बुरा हाल, लोग जो दुकानों पीपी के दुकानों के आगे पड़े रहते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, पुलिस ने बुरा हाल कर रखा है, पुलिस कोई बोलता ही नहीं है यहाँ पे है, और शराब पीपी के लोग दुकान के आगे ड्रामा करते हैं, कोई किसी के पत्थर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गालियाँ पक रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। चीटिंग हम होने नहीं देंगे, फर्जी वाले का ठेका हम नहीं खुलने देंगे, अगर चीटिंग भाई साहब होगी तो कानून व्यवस्था का क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल चीटिंग हम होने नहीं देंगे, पीढ़ी का बर्बाद करने की साजिश चल रही है जिसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये शराब का ठेका बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। हम 30-35 बर्बाद हो गए यहाँ पर, किसी पे को रोजगार नहीं है, हमें रोजगार चाहिए, शराब नहीं चाहिए। हम सब लोग इस चीज का समर्थन करते हैं कि यहाँ ठेका बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। आज दिन आगजनी होती है, स्नैचिंग होती है, चोरी होती है, गाली गलौज होती है, रहने का एरिया ये कोई शराब पटे का बनने का एरिया सारा है। महिलाएं नहीं निकल पाती हैं, जो दुकानदार हैं उनके कस्टमर नहीं आ पाते हैं, खासकर लेडीज कस्टमर तो बिल्कुल नहीं आते हैं, काम धंधे चौपट हो गए हैं।